हेलो सौ आप देख रहे एफ के गुरु चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कौन एक मुर्गी पे आप कितना फायदा कमा सकते हैं और हम सोनाली के ऊपर बात करेंगे डबल एफ के ऊपर बात करेंगे क्रोल के ऊपर बात करेंगे दोस्तों और बॉयलर के ऊपर बात करेंगे ये चार मुर्गी के ऊपर बात करेंगे कि एक मुर्गी पर कितना खर्च आता है इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल बता दूँगा उसी हिसाब से फिर आप एक हज़ार दो जितनी मुर्गी पालना चाह रहे हैं आप उसे इन करके आप जोड़ सकते हैं दोस्तों कितना खर्च आएगा एक मुर्गी पे दोस्तों तो अगर बॉयलर आप पालना चाह रहे तो बॉयलर के ऊपर भी है सोनाली के ऊपर भी बता दे रहे हैं डबल एफ जी करोड़ के ऊपर बता दे रहे हैं दोस्तों और भी नस्ल दो तीन नस्ल है उसके भी ऊपर वीडियो हम बता देते हैं दोस्तों हम कॉपी कलम पर और दोस्तों चलिए चलते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चलिए हम चलते हैं दोस्तों कॉपी कलम पर कितना खर्च आता है आपको एक मुर्गी पे तो दोस्तों ये जो हिसाब है आप देसी यानी सोनाली ब्रीड पे काम कर रहे हैं देख रहे क्लियर फोटो आ रहा होगा तो सोनाली मुर्गी जब भी एक के जी की होगी लगभग चार से पाँच के दाना खाती है तो हमने चार पाँच के मान लिया सबसे ज़्यादा दाना और चालीस रुपया के के हिसाब से दो सौ रुपया दाना का हुआ दोस्तों तीस रुपये का बच्चा तो पाँच रुपये और मान लीजिए दवा जो लगता है खर्च दोस्तों यानी तीन दो सौ पैंतीस रुपया खर्च है और लगभग साढ़े तीन सौ तीन सौ से लेकर साढ़े तीन सौ के लपेट में बिकती है दोस्तों मगर दोस्तों जब जो भी लोग सोनाली मुर्गी पालन करते हैं वो लोग क्या करते हैं दोस्तों जब मुर्गी जो है आपको एक महीना की हो जाती है उसके बाद से वो लोग फ्री रेंज में घुमाना चालू कर देते हैं उसे ये होता है दोस्तों कि दो के जी एक के जी दाना जो है बच जाता है उनको कीड़ा मकोड़ा खाती हैं और भी घास पूस खाती हैं इससे उनका जो है दाना का खर्च कुछ कम हो जाता है लगभग दो सौ रुपया एक सौ नब्बे से दो सौ रुपया खर्च हो जाए टो, टोटल दोस्तों तो इस मुर्गी में अगर सोनाली पाल रहा है तो आपको सौ से एक सौ बीस रुपया तक आपको बेनिफिट होगा बॉयलर की बात करें तो बॉयलर जो तीन के जी दोस्तों दाना खा कर दो के जी का होता है और आप चालीस रुपये का बच्चा मान लीजिए उसका सब टोटल मिला के एक सौ पचपन रुपये खर्च होता है और दो के जी अगर आज के रेट जो चल रहा है एक सौ दस रुपया चल रहा है आगे पीछे होता रहता है फिर भी एक सौ दस रुपये आज के रेट चल रहा है दोस्तों दो सौ बीस रुपये हुआ लगभग इसमें पचास से साठ रुपया आपको दो के जी एक मुर्गी अगर बेच रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों वहीं बात कर ले दोस्तों कि आप डबल एफ जी के बारे में चार के जी खाकर दोस्तों एक के जी से लेकर डेढ़ के जी तक होता है दोस्तों डेढ़ के जी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ के जी होता है दोस्तों तो चालीस का रेट से आप एक सौ साठ रुपया हुआ प्लस तीस रुपये बच्चा एक सौ नब्बे रुपये हुआ और डेढ़ के जी इंटू दो सौ बीस रुपया आज का रेट चल रहा है दोस्तों तो तीन सौ तीस रुपया हुआ दोस्तों तो इसमें भी दोस्तों आपको एक सौ दस रुपया सौ से लेकर सौ दस रुपये इस मुर्गी सब में बचता है दोस्तों अगर आप मीट पर्पज़ से अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों मीट के लिए दोस्तों अगर आप मुर्गी या दाना के पर्पज़ से कर रहे हैं ये थोड़े दोस्तों अगर आप अंडे के लिए कीजिएगा तो फिर आपको लगभग साढ़े पाँच महीना पालना पड़ेगा उसके बाद से अंडा देना चालू करेगी जितनी भी मुर्गियाँ हैं ये लगभग उस हिसाब से साढ़े पाँच महीना पाँच महीना के बाद से अंडा देना चालू करेगी दोस्तों तो ये आपका सवाल था दोस्तों तो कोई भी मुर्गी अगर पाल रहे हैं तो आपको प्रफ़िट पचास से साठ सौ रुपये तक आपको होगा जरूर एक मुर्गी पे